गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, किसी चीज़ को फोकस करके उसे अचीव करने के तरीके को गोल कहा जाता है और उसी को ही हमें फोकस करते हुए अपने काम को करना ही गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी कहा जाता है। मैनेजमेंट इज़ अ टूल एंड नॉट द अटेनमेंट। मैनेजमेंट एक जरिया है, कोई पूरा सिस्टम नहीं है। एवरी बिजनेस यूनिट इज़ एस्टैब्लिश टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। हर एक बिजनेस किसी न किसी चीज़ को हासिल करने के लिए ही शुरू किया जाता है। मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स इन अ कम्पीटेंट एंड इकोनॉमिकल वे। मैनेजमेंट ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारे इकोनॉमिकल सिस्टम में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आता। ग्रुप एक्टिविटी, मिलजुल के काम करना भी ज़रूरी है। मैनेजमेंट इज़ ए कलेक्टिव एक्टिविटी कैरियड आउट बाई टू और मोर पीपल। मैनेजमेंट एक ऐसा काम है जो एक दो व्यक्ति से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड वेयर टू और मोर पीपल आर वर्किंग टुगेदर फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट जहाँ दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हों वहाँ बहुत ज़रूरी है, ताकि जो चीज़ उन्होंने फोकस रखा है कि ये हमें हासिल करना है, उसे पाने के लिए मैनेज करना ज़रूरी है। कंटिन्यूस प्रोसेस है मैनेजमेंट, ये कभी ना रुकने वाला काम है। वंस बिगेन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू डिसकंटिन्यू। अगर एक बार इसे शुरू किया जाए तो फिर इसे रोका नहीं जा सकता। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड येट इट डज नॉट स्टॉप आफ्टर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड है जहाँ पर आपको आपका लक्ष्य पाना ज़रूरी है और अचीवमेंट के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। न्यू ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स आर डिसाइडेड बाय द बिजनेस यूनिट। द साइकिल ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, अचीविंग देम एंड रीडिफाइनिंग देम कंटिन्यूसली गोज ऑन। किसी भी ऑब्जेक्टिव को, बिजनेस यूनिट को चलाने के लिए एक टारगेट रखना ज़रूरी है और ये साइकिल मैनेजमेंट के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो किसी भी चीज़ को और ज़्यादा अच्छी तरीके से उसे डिफाइन करता है, यानी कंप्लीट करता है। ह्यूमन प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस इज़ लिमिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन स्पाइट ऑफ यूनिवर्सलिटी। मैनेजमेंट एक इंसानों को कंट्रोल करके काम कराने का सिस्टम है और ये हर चीज़ों को एक साथ जोड़ के रखने वाला काम है। ह्यूमन एलिमेंट इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ इन मैनेजमेंट। इंसान जो है वो बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट के लिए। अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस। अगर इंसान ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन भी किसी काम का नहीं होगा इंसानों के बिना। मैनेजमेंट इज़ डन बाय द ह्यूमन बीइंग एंड फॉर द ह्यूमन बीइंग। मैनेजमेंट इंसानों के लिए किया जाता है, इंसानों द्वारा। मैन इज़ इन द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट, और इंसान को ही केंद्र बना के मैनेजमेंट बनाया जाता है। दस इट इज़ अ ह्यूमन प्रोसेस विच इज़ डन बाय एंड फॉर द मैन। ये इंसान करते हैं और दूसरे इंसानों को इसका बेनिफिट पहुँचाते हैं। डिसीजन प्रोसेस इज़ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हैज़ टू टेक डिसीजंस कॉन्स्टेंटली वाइल मैनेजिंग बिजनेस। नो वर्क कैन बी डन विदाउट टेकिंग डिसीजंस। आफ्टर टेकिंग डिसीजंस मैनेजमेंट हैज़ टू प्रोसीड टू इम्प्लीमेंट इट। दस डिसीजन प्रोसेस इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। डिसीजन सही समय पर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसीजन नहीं ले पाओगे तो आपका काम टाइम पर नहीं पूरा होगा, और मैनेजमेंट में इस कला को आना बहुत ज़रूरी है। साइंस आर्ट एंड प्रोफेशंस, साइंस हो, आर्ट हो या प्रोफेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत है। हैंस मैनी राइटर्स कंसिडर मैनेजमेंट एज अ साइंस। कई लेखकों को ऐसा लगता है मैनेजमेंट एक नॉलेज है। मैन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट, और इंसान उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत। देयरफॉर गेटिंग वर्क डन फॉर हिम, इंसानों द्वारा ही काम पूरा किया जाता है। रिक्वायर्स प्रोफिशियंसी, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस एंड इनसाइट। इंसान को समझदार होना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा चालाक, और उसके पास दूर की दृष्टि होनी चाहिए। इट इज़ नोन एज द आर्ट, इसी को आर्ट माना जाता है। मैनेजमेंट ऑफ मॉडर्न बिजनेस यूनिट इज़ हैंडेड ओवर टू ट्रेन्ड एंड एक्सपर्ट पीपल। आज के ज़माने में बिजनेस चलाने के लिए एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जाता है। इन रीसेंट टाइम मैनेजर्स हैव ऑल्सो अडॉप्ट प्रोफेशनलिज्म लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। दस इट इज़ क्लियर दैट मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन टू। अब मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन बना लिया गया है, जैसे कि कोई लॉयर, कोई डॉक्टर या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA। इस तरह से हम हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं।